जिनको जिम्मेदारी काम करने की वो काम करनी चाहिए, जहां पर सुधार की जरूरत वहां सुधार की जरूरत करना चाहिए, जिनको बोलने की जिम्मेदारी मिली है वो बोलेंगे, काम करने वाले को काम करनी चाहिए। भारत की सरकार राज्य के सरकारों के साथ सौतेलापन कर रही है, वो सरकारें जो गैर भाजपा शासित राज्य है। हमारे हिस्से का पैसा बकाया है, वित्तीय बोझ बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़नी है, कृषि के क्षेत्र में आय दुगनी करने की बात भारत की सरकार की थी, लेकिन वाजिब हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, राजद कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह का एक बयान आता है कि वो चोरों के सरदार हैं, और उन्होंने इसलिए बयान दिया कि उनका कहना है कि उनके मंत्री में मंत्रालय में जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ चोरी कर रहे हैं। इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। अब राजद की तरफ से सफाई आ गई है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जिनका जो काम है वो करें, जिनका बोलने का काम है उनको बोलने दें और जिनका करने का काम है वो करने दें। शक्ति सिंह यादव को सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार में बहुत सारे काम नीतीश जी के नेतृत्व में निरंतर काम होता गया। भारत की सरकार राज्य के सरकारों के साथ सौतेलापन कर रही है, वो सरकारें जो गैर भाजपा शासित राज्य है। हमारे हिस्से का पैसा बकाया है, वित्तीय बोझ बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़नी है, कृषि के क्षेत्र में आय दुगनी करने की बात भारत की सरकार की थी, लेकिन वाजिब हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। और जो मंत्री जी बोल रहे हैं, जिस बाबत बोल रहे हैं, उसमें सुधार की जितनी आवश्यकता है करनी चाहिए। वो खुद को चोरों का सरदार बता, जिनको बोलना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, जिनको काम करना है उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए हर को अपने सीमा में रख के काम करने वाले को काम करना चाहिए, बोलने वाले को बोलना चाहिए। नहीं, उन्होंने कई बातें कही है, कोई पॉलिसी के बारे में कही है कि मक्का और जो है और मक्की की अभिव्यक्ति किसी बाबत अगर है तो उसके सारे चीजों की पड़ताल भी होगी। और हमने शुरू में ही कहा और अभी पुनः कह रहा हूं, जिनको जिम्मेदारी काम करने की वो काम करनी चाहिए, जहां पर सुधार की जरूरत वहां सुधार की जरूरत करना चाहिए, जिनको बोलने की जिम्मेदारी मिली है वो बोलेंगे, काम करने वाले को काम करनी चाहिए। तो बिहार में अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं सुनने का सवाल ही पैदा नहीं रहा। सवाल जो लोग यह समझते हैं जो प्रक्रिया है, जो रूल ऑफ एक्सक्लूटिव बिजनेस है क्या कहता है, उसके अनुसार सब काम होंगे। जहां जरूरत और बल देने की है उसमें और बल दिया जाएगा, और पारदर्शिता लाने की है और पारदर्शी बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3 सी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। क्राइम, करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट, टॉयलेट होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो आपने शक्ति सिंह यादव को सुन लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार ली जाएंगी, बाकी सारी चीजें जो जिनको बोलने का काम दिया गया है वो बोलने का काम करें और जिनको काम करने का काम दिया गया है वो काम करने का काम करें। सीधा शक्ति सिंह का यादव का निशाना जो है वो सुधाकर सिंह पे है कि आप काम पे ध्यान लगाइए ना कि बोलने पे। और साथ में ये कहा शक्ति सिंह यादव ने कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब काम सही से हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।